यस प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एसडी कॉमर्स करियर सेक्टर 10 पंचकुला। दिस इज सीए धीरज हेयर एंड होप सो यू आर डूइंग वेल। इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर दैट इज ऑल अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रेट के रिगार्डिंग क्या किया, स्टार्ट किया, जिसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डील कर चुके हैं, जिसमें सर फॉरेक्स रेट क्या है, क्लियर, इस फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमिन कैसे किया जाता है, क्लियर, कौन कौन से एक्सचेंज रेट को तय करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए सिस्टम्स बनाए गए हैं, ये हम लोगों की लास्ट क्लास की डिस्कशन का क्या थे, पार्ट थे, क्लियर। जिसमें से मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे लेट इट बी आप लोग ये वर्डिंग यूज करते हैं कि सर $1 इज इक्वल्स टू, आपके सामने एक एग्जाम्पल पड़ी है कि सर $1 इज इक्वल्स टू ₹80 मान लीजिए, तो इसको सर हम लोग दो वे से रीड आउट कर सकते हैं इस एक्सचेंज रेट को। कैसे कि सर इफ यू वांट टू परचेज 1 यूनिट ऑफ डॉलर, अगर आप डॉलर का 1 यूनिट परचेज करना चाहते हैं तो आपको डोमेस्टिक करेंसी के इंडियन रुपीस के 80 यूनिट्स क्या करने पड़ेंगे, पे आउट करने पड़ेंगे, दैट इज द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट जो डॉलर के लिए, डॉलर एंड रुपी के कन्वर्शन के लिए क्या किया गया, तय किया गया, डिटरमिन किया गया, क्लियर। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सर मैं 1 रुपए में कितने डॉलर परचेज कर सकता हूं, 1/80 डॉलर। तो इसमें आपके पास दोनों तरफ से, आपके पास ये सर दोनों तरफ से ही क्या है, एक्सप्लेनेशन गिवन होती है, बट मोस्ट कॉमन फर्स्ट मेथड अपने आप में ज्यादा चलता है कि टू परचेज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट परचेज करने के लिए इंडियन करेंसी के, डोमेस्टिक करेंसी के आपको कितने यूनिट्स देने पड़ेंगे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट। यहां पे हम लोगों ने सर एक्सचेंज रेट में दो तरह के सिस्टम पढ़े, मेनली दो तरह के, दैट इज वन इज फिक्स्ड एंड नंबर टू इज फ्लोटिंग, सॉरी फ्लेक्सिबल, क्लियर। तो फिक्स्ड के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा कि फिक्स्ड के अंदर सर प्योरली गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्सचेंज रेट क्या किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं, जिसमें हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू किसी ना किसी प्रीशियस मेटल को बेस करते हुए क्या करती है, डिफाइन करती है, क्लियर। लाइक सर प्रीशियस मेटल कौन सा हुआ अपने आप में, लाइक गोल्ड, सिल्वर या किसी भी तरह के प्रीशियस मेटल में आपको अपनी करेंसी की वैल्यू क्या करनी होती है, डिक्लेयर करनी होती है। एंड सर प्रीशियस मेटल में से द मोस्ट रिलायबल एंड द स्टेबल जो माना गया है वो अपने आप में कौन माना गया है, गोल्ड, क्लियर। तो फर्स्ट मेथड फिक्स्ड के अंदर फर्स्ट मेथड जो आप लोगों ने पढ़ा दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसमें गोल्ड को बेस मानते हुए हर कंट्री को अपनी अपनी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिलीज करने को कहा गया, क्लियर, कि जाइए आप अपनी अपनी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड क्या कीजिए, डिक्लेयर कीजिए। तो यहां पे लेट इट बी एग्जांपल के तौर पे यूरो ने क्या कहा सर कि मैं अपने 1 यूरो से 2 ग्राम ऑफ गोल्ड क्या कर सकता हूं, परचेज कर सकता हूं, मेरे मेरे अंदर 1 यूरो के अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी परचेजिंग पावर ऑफ गोल्ड है, ठीक है सर। एक बात ऐसे ही डॉलर ने क्या कहा कि मैं 1 डॉलर में 1 ग्राम ऑफ गोल्ड क्या कर सकता हूं, परचेज कर सकता हूं। अब देखिए दोनों करेंसीज की वैल्यू आपने किसको बेस मानते हुए, गोल्ड को बेस मानते हुए क्या करा, डिक्लेयर करवाया। तो जहां से आपको क्या क्लैरिटी मिलती है कि सर यूरो के अंदर डॉलर से डबल पावर, कैसे, क्योंकि 1 यूरो कितने ग्राम परचेज कर सकता है, 2 ग्राम, और 1 डॉलर कितना कर सकता है, 1 ग्राम। तो सर ये रेट हम लोगों का तय हो गया, रेट क्या तय हो गया कि 1 यूरो इज इक्वल्स टू क्या है, 2 डॉलर्स, कि मतलब हमारा यूरो 2 डॉलर्स के बराबर है, क्लियर, या फिर 1 डॉलर हाफ यूरो के क्या है, बराबर है, आप इसको जैसा भी अंडरस्टैंड करना चाहें। तो सर फर्स्ट लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा सही लगती है कि 1 यूरो इज इक्वल टू 2 डॉलर, अगर कन्वर्शन रेट आपको यूज करना भी है तो आपके सामने ये एक्सचेंज रेट है, इसको यूज करिए और अपनी करेंसी को क्या करवा लीजिए, कन्वर्ट करवा लीजिए। और ये सारा सिस्टम तुम्हें करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि सर हमारी कंट्रीज का आपस में कोई ना कोई ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हम लोगों की चलती रहती हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, कोई लोन रीपेमेंट को लेकर, किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन हम कौन सा कोई सर विद इन द डोमेस्टिक ही काम कर रहे हैं,
ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो इसीलिए इन एक्सचेंज रेट्स का डिटरमिन होना अपने आप में क्या है, मैंडेटरी। क्लियर? बट सर यहाँ पे प्योर किसकी चलेगी, गवर्नमेंट की चलेगी। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से क्या करेगा, रेट तय करेगा किसी ना किसी थिंग को बेस मानते हुए। क्लियर? देन आपने इसी सिस्टम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, जिसका नाम क्या दिया, द ब्रिटन वुड्स। ब्रिटन वुड्स के अंदर क्या था सर, ऐसे हर कंट्री की करेंसी को इन टर्म्स ऑफ गोल्ड याद रखना दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या करा, सारी कंट्रीज को पैक्ड कर दिया, रिलेट कर दिया विद यूएस डॉलर, जबकि यूएस डॉलर को गोल्ड बेसिस पे ही वैल्यू असाइन की गई। मतलब मैंने बेस चेंज नहीं करा, बेस आज भी क्या था, गोल्ड। मैंने यूएस डॉलर को आज भी वैल्यू क्या असाइन करी थी, अकॉर्डिंग टू गोल्ड। बट सर बाकी कंट्रीज को कहा गया कि तुम्हें अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना रिलेशन किसके साथ एक्सप्लेन करो, डॉलर के साथ, कि लेट इट बी अगर कोई यूरो, अगर कोई पाउंड डॉलर में कन्वर्ट होना चाहता है तो आप अपना रिलेशन डॉलर के साथ क्या करें, एक्सप्लेन करें। क्लियर? और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स इस सिस्टम के अंदर, सर इज देयर एनी एडजस्टमेंट पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल नो, कोई एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं था। ओनली इफ अलाउड बाय, अगर कोई एडजस्टमेंट अलाउड बाय, मेन वन मार्कर है, अगर अलाउड बाय आईएमएफ है, आईएमएफ मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, अगर आईएमएफ कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या करेगा, अलाउ करेगा, देन रेट्स के अंदर एडजस्टमेंट की जाती है, अदरवाइज किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। क्लियर? और एक टर्म कल हम लोगों ने दोनों मेथड के डिफरेंस में रीड आउट किया सर, फिक्स्ड के अंदर प्योरली किसकी चलेगी, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट अगर, सुनने ध्यान से, गवर्नमेंट अगर किसी भी रेट में रीवैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन, वर्ड क्या बोल रहा हूँ, रीवैल्यूएशन अपवर्ड या मे बी डीवैल्यूएशन डाउनवर्ड अगर कोई चेंजेस करते हैं, देन वहां पे हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। क्लियर? क्योंकि मार्केट फोर्सेस के कारण आप लोगों की नहीं हो रही, गवर्नमेंट वहां पे क्या कर रही है, एक्सचेंज रेट को इंक्रीज या मे बी क्या कर रही है, डिक्रीज। तो वहां पे इंक्रीज होना मतलब कॉल्ड एज रिवेल्यूशन करना, डिक्रीज होना मतलब कॉल्ड एज डिवेल्यूशन करना। चलिए नंबर टू मेथड हमारे पास आया था सर, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में थोड़ी सी मौज हुई कि गवर्नमेंट का छोड़ो सर, गवर्नमेंट तो अपने आप में सिस्टम खराब कर रही है, हम नहीं चाहते गवर्नमेंट की किसी तरह की कोई इंटरवेंशन हो, और हमारी मार्केट फोर्सेस अपने आप में कैपेबल हैं कि वो अपना इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या कर सकती हैं, फाइंड आउट कर सकती हैं। तो देर इज नो नीड फॉर द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमें गवर्नमेंट को बीच में इंटरफेयर करवाना चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं होना चाहिए। तो हमने ये पूरी गेम किन के हाथों पे छोड़ दी, मार्केट फोर्सेस के हाथों पे छोड़ दी, कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी जो रेट तय करेंगी वो रेट ऑटोमेटिकली क्या होएगा, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? तो हमने गवर्नमेंट को बिल्कुल ही क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। बट डे बाय डे आपको पता है कि सर जब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया, कंट्रीज ने मैनिपुलेशन क्या कर दी, स्टार्ट कर दी, विच इज कॉल्ड एज क्या, डर्टी फ्लोटिंग। कि व्हेन वर्ल्ड लिखा हुआ स्पेशली, इफ अ कंट्री मैनिपुलेट्स द एक्सचेंज रेट बाय नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, होता ही है जब किसी के हाथ में होता है कि माड़ा मोटी पावर अपने पास है, वो गलत इस्तेमाल करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, विच इज कॉल्ड एज डर्टी फ्लोटिंग। और इसी डर्टी फ्लोटिंग को रोकने के लिए हम लोगों ने एक हाइब्रिड सिस्टम तैयार किया। हाइब्रिड सिस्टम मींस जहां पे फ्लेक्सिबल प्लस फिक्स्ड दोनों की तरफ से रेट को क्या किया जाएगा, तय किया जाएगा, ना प्योरली मार्केट फोर्सेस ना प्योरली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक यहाँ पे क्या कोशिश करेगा, टू स्टेबलाइज। क्लियर? इस इकोनॉमी को, इस एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। इवन लाइन दोबारा पढ़ सकते हैं यहाँ पे, पढ़िए। हाँ जी दक्षिता, मैनेज्ड फ्लोटिंग इज आ, ये अपने आप में क्या है सर, एक टूल। क्लियर? इट इज अ टूल इंप्लॉयड बाय किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक। देख मुझे वैसे अलाउड नहीं था, सेंट्रल बैंक को फ्लेक्सिबल सिस्टम के अंदर अलाउड नहीं था। फ्लेक्सिबल के अंदर रेट कौन तय करता है, मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिकली। बट मुझे एंटर होना पड़ा क्योंकि डर्टी फ्लोटिंग होना क्या हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी। कंट्रीज ने मैनिपुलेट करना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था।
देन हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक ने क्या करा, एक टूल इंप्लॉय किया, पढ़िए, टू रीस्टोर। अच्छा, टू रीस्टोर मतलब वापस लाना, टू रीस्टोर द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी। एक्चुअली सर, कल को डॉलर के रेट अप डाउन जाएंगे तो हमारी कंट्री के रेट पे तो फर्क पड़ेगा, अपनी रुपी की एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन नहीं होगी क्या? पर मैं कह रहा हूँ सर, ये तो गलत है। मैं कह जी वो कैसे? कहते डॉलर वाले वो क्या कर रहे हैं सर, अल्टीमेटली मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे। जो हमारे एक्सचेंज रेट के तरह क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मैं कह सर ये फॉलो नहीं कर रहे और ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और डॉलर की वैल्यू क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज। सर डॉलर जितना इंक्रीज करेगा रुपी उतना क्या करेगा? मैं कह सर ये तो अपने लिए पंगा हो जाएगा, हम विश्वास करके बैठे हैं किसके ऊपर, हमारी मार्केट फोर्सेस के ऊपर। मैं कह नहीं सर, आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को यहाँ पे क्या करना होगा, एंटर करना होगा एक टूल, इंप्लॉय करना होगा जो अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या करेगा, रीस्टोर करेगा, दोबारा वापस लेकर आएगा। क्लियर? क्योंकि ये जितनी भी छेड़खानी करी थी, ये करी तो मैनिपुलेशन के थ्रू थी ना, विदाउट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। आगे पढ़िए, विद इन द डिजायर्ड लिमिट्स इवन व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमिंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड। तभी तो मैंने वर्ड क्या कहा कि इस मैनेज्ड फ्लोटिंग के अंदर आपका फ्लेक्सिबल प्लस फिक्स्ड दोनों चलते हैं सर, दोनों के अकॉर्डिंग टू ही क्या होता है, ये रेट तय किया जाता है। यहां तक पहले को डाउट देख लो सर, 2 मिनट अच्छे से लगा लो, वन बाय वन अपने को तसल्ली तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा तो लग जाएंगे, बट दोबारा उठाना नहीं पड़ेगा इतनी श्योरिटी। ये टॉपिक पर्टिकुलर ऐसा है, यहां तक बताओ पहले, यहां तक कोई डाउट? देख, गवर्नमेंट इंटरवेंशन का क्लियर हो चुका वर्ड कि सर गवर्नमेंट इंटरवेंशन किसमें होगी, फिक्स्ड के अंदर होगी, फ्लेक्सिबल के अंदर नहीं होगी। मेन चीज स्टेबिलिटी को लेकर मैं आपको बता देता हूं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अपने आप में जनरली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर कोई वेरिएशन की जाएगी, अगर कोई वेरिएशन की जाएगी तो वो इनिशिएटेड बाय द क्या होगी, गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ही पंगा लेगी, मार्केट फोर्सेस का तेरे फिक्स्ड के अंदर कोई रोल प्ले नहीं। और इसीलिए इसीलिए मैंने इसको नाम क्या दिया था, रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। बट सर, जो मार्केट फोर्सेस के कारण रेट में चेंजेस आए, दोबारा, मार्केट फोर्सेस के कारण रेट में चेंजेस आए, दैट इज कॉल्ड एज एप्रिसिएशन एंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे सर, कुछ सोर्सेज आप लोगों ने क्या करे, रीड आउट करे कि सर इसकी डिमांड, फॉरेक्स की जो डिमांड है, फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है, वो कौन करते हैं? नंबर वन सर, इंपोर्ट्स, जो पर्सन इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो डॉलर्स उनको चाहिए, सबसे पहले फॉरेक्स तो उनको चाहिए, क्योंकि उनको किस पर्पज के लिए चाहिए, पेमेंट्स। अच्छा, एक वर्ड डिमांड के ऊपर लिख सकते हो, डिमांड कोई पर्सन कब करेगा, जब उसने क्या करनी होगी, पेमेंट। पेमेंट किसमें करनी होगी, फॉरेक्स में, तभी तो डॉलर मांग रहा है, तभी तो यूरोज मांग रहा है, तभी तो पाउंड मांग रहा है, नहीं तो इंडिया में भाई वायर ट्रांसफर नहीं हो, अप्पा लोग तो रुपीज देते हैं ना, नेक्स्ट आगे बैंक क्या देता है उनको, होता तो ऑनलाइन थ्रू है, बट तुम्हारी ओर से फॉरेक्स की डिमांड की जा रही है ना, कि सर मैंने अपने बैंक वालों को क्या कहा, मुझे डॉलर अरेंज करवा के दो, किस बात को लेकर, क्योंकि मैंने एक फॉरन क्या करनी है, पेमेंट करनी है, क्योंकि मैं उनको रुपीज थोड़ी दूंगा, उनके वहां पे जो करेंसी चलती है वो तो वही करेंगे ना। अब जैसे दूसरा वर्ड है टूरिज्म, हम जब दूसरी फॉरेन कंट्रीज में घूमने जाते हैं, क्या आप रुपीज लेके जाते हो, उनकी करेंसी लेके जाते हैं ना, तो सर अब डिमांड कौन कर रहा है, डिमांड टूरिज्म वाले कर रहे हैं ना, कि जिन्होंने घूमने जाना है, जैसे दुबई के लिए एग्जाम्पल दी धीरम। क्लियर? तो जितने भी अलग अलग केस हैं, यूएस जाना है तो डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, अलग अलग डॉलर्स हैं। क्लियर? सिंगापुर जाना तो वहां पे सिंगापुर के डॉलर्स आपको वहां पे क्या करने पड़ेंगे, कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे। तो सर वही तो पूछ रहा हूँ कि कन्वर्शन रेट होता कैसे है, का तो कुछ नहीं, एक सिंपल रेट्स गिवन होते हैं, आप अपना अपनी करेंसी दीजिए और वहां की करेंसी उस अकॉर्डिंग टू, उस रेशो के अकॉर्डिंग टू वो कन्वर्ट करके आपको दे देते हैं। तो वही तो आप लोगों के फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम है। अगर मार्केट फोर्सेस के द्वारा रेट को तय किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल सिस्टम, गवर्नमेंट वहां पे तय करे, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स सिस्टम। क्लियर? चलिए, नंबर थर्ड इज रेमिटेंसेस बाय फॉरनर्स वर्किंग इन इंडिया। जितने भी फॉरनर्स इंडिया में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी कंट्री में पैसा भेजना चाहते हैं तो उनके लिए क्या चाहिए, उनको डॉलर्स चाहिए, रुपीज थोड़ी भेजेंगे। क्लियर? एंड ऐसे ही रीपेमेंट सर, जितने लोन्स हम लोगों ने लिए हुए हैं, फॉरन लोन्स शॉर्ट वर्ड क्या कहते हैं, कि जितने भी आप लोगों के फॉरन लोन्स हैं, फॉरन लोन्स की पेमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर,
डॉलर्स डिमांड करने पड़ेंगे कि मुझे डॉलर प्रोवाइड करो, समझ गए ना। तो इंडिया के फॉरेक्स कस्टडी में से तो क्या जाएंगे, कम जाएंगे ना। अब आप कह रहे हो जी मुझे 1 लाख डॉलर चाहिए, जो इंडिया की कस्टडी में पहले 1 लाख डॉलर थे वो तेरे डिमांड के कारण उनको क्या करने पड़े, पे आउट करने पड़े, तो हमारे इंडिया की फॉरेक्स की कस्टडी क्या हो गई, कम। तो सर क्यों कम हुई, क्योंकि आपने क्या करी, डिमांड। सर अच्छा अगर मैं इनको फॉरेक्स की क्या करूं, तो इंडिया का फॉरेक्स का बैलेंस, फॉरेक्स कस्टडी का बैलेंस क्या होएगा, इंक्रीज। तो सर सप्लाई कहां से आएगी, एक्सपोर्ट, मैक्सिमम माल बाहर भेजो, तभी तो कंट्रीज क्या करती हैं, ये अपनी गवर्नमेंट क्या करती है, प्रमोट करती है कि एक्सपोर्ट करो, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उतना एक्सपोर्ट करो। आप लोगों ने एक चैनल सुना होगा, पेपाल चैनल, जिसके थ्रू फॉरेन पेमेंट्स मोस्टली आती हैं, फिर मोस्ट फेमस है पेपाल पे। अपना अकाउंट बनाइए, आप अपनी सर्विसेज, जैसे मैं अगर मैं कहूँ, मैंने एक दो क्लासेस भी ली थी पहले फॉरेन में किसी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, तो उन्होंने क्या करा, वहां से पेपाल के थ्रू मुझे पेमेंट कर दी। उन्होंने पेमेंट किसमें करी, डॉलर्स में, मेरे को तो यहाँ पे क्या मिले, रुपीज। पेपाल चैनल ने अपनी कमीशन काटी, कमीशन काट के बाकी पैसे मुझे क्या कर दिए, इंडियन रुपीज में क्या कर दिए, रेमिट कर दिए। तो मैं तो इंडिया में फॉरेक्स लेकर आया हूँ, मैंने अपनी सर्विस एक्सपोर्ट करके इंडिया में क्या लेकर आया, मैं तो फॉरेक्स लेकर आया ना, दैट इज द थिंग। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे। फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया, दैट इज द मोस्ट कॉमन। जितना टूरिस्ट इंडिया में आएगा उतना फॉरेक्स आपका कहां पे आएगा, इंडिया में आएगा। क्लियर, नेक्स्ट इज रेमिटेंसेस बाय, वर्ड क्या लिखा हुआ है, इंडियन वर्किंग अब्रॉड। जितने भी इंडियंस आपके अब्रॉड वर्किंग में हैं, जितने भी इंडियंस आपके अब्रॉड क्या करते हैं, वर्क करते हैं, अल्टीमेटली सर अल्टीमेटली उतना फॉरेक्स आपके इंडिया में क्या करेगा सर, एक्स्ट्रा, यहाँ पे हमारी कस्टडी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इनवर्ड उतना ज्यादा इनफ्लो होगा। क्लियर, ऐसे ही सर एफडीआई या परचेज ऑफ शेयर्स बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स। नाउ द लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने कल जाते हुए डिस्कस किया, दैट इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ क्या था, इक्विलिब्रियम रेट। कि सर ये इक्विलिब्रियम रेट तय कैसे होता है, अब आपको बता तो दिया कि सर इक्विलिब्रियम रेट आज की रेट में आपका फ्लेक्सिबल सिस्टम के थ्रू क्या किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है, एंड फ्लेक्सिबल में सारी की सारी कमांड किसके पास है, मार्केट फोर्सेस, दैट इज सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड जहां पे एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पे आप लोगों का क्या होगा, इक्विलिब्रियम रेट तय होगा। यहां तक क्लियर, क्लियर। अभी तक की ब्रीफिंग आप लोगों की ये थी, बट नाउ अब मैं आपके साथ कुछ तीन चार सिचुएशंस डिस्कस करने वाला हूं वन बाय वन। क्लियर, साथ साथ में डायग्राम आप लोग भी क्या करिएगा, ड्रॉ करिएगा। ये चार सिचुएशंस हैं और यही चार सिचुएशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं कंसेप्चुअली। क्लियर, सबसे पहला वर्ड पढ़िए जी, क्या लिखा हुआ, क्या वर्ड लिखा हुआ जी, इंपैक्ट ऑफ चेंज इन किसर, लेट इट बी। जैसे आपने क्या कहा कि अगर मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई आप लोगों की क्या होती है, चेंज होती है, तो उसका प्राइस के ऊपर, रेट के ऊपर आप लोगों का क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। सिचुएशन वन सबसे पहले पढ़िए, क्या लिखा हुआ जी, यस पढ़िए, इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी। सर लेट इट बी, अगर इंडिया में आपकी फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज। क्लियर, लेट इट बी। अब यहां पे इन्होंने क्या कहा, कर्व नहीं बनी हुई ना, तो पहले डायग्राम बनाइए, यहां पे डायग्राम बनाइए, पहले सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ किए, सर ये आप लोगों का वाई ओ एक्स, नीचे तो नेचुरली हमेशा ही क्या रहा है, क्वांटिटी, एंड इस तरफ रेट। आप विद इन द बॉक्स थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू दैट। क्लियर, सबसे पहले सर एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम स्ट्रक करवा दे पहले, कोई ना कोई रेट तो आप लोगों का मार्केट में प्रिवेल कर रहा होगा ना। मेरे को ये नहीं पता कि तुम्हारी डिमांड इंक्रीज करी है डिक्रीज करी है, मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने जस्ट नॉर्मली देखा, ये आप लोगों की सप्लाई और ये आप लोगों की डिमांड, इक्विलिब्रियम रेट बताना कितना आ रहा है सर आपका, ये एट पॉइंट ई, दिस इज योर इक्विलिब्रियम रेट एंड दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जिसको हम वर्ड में रेट थोड़ा ऊपर कर देता हूं यहां पे, रेट। क्लियर, और ये आपका क्या है आर, और ये क्या है एम, क्वांटिटी। यहां तक बताओ जी पहले ये पॉइंट क्लियर, दैट इज योर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, मैंने कुछ ही अभी चेंज नहीं करा, अब करेंगे।
अब हेडिंग पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन। अच्छा डिमांड, पहली बात थोड़ा प्लस वन लेवल पे लेके जाऊंगा, अगर आप लोगों को याद हो मैंने वर्ड क्या बोला, मैंने एक्सपेंशन वर्ड नहीं बोला, एक्सटेंशन वर्ड नहीं बोला, मैंने वर्ड क्या यूज किया, इंक्रीज। अगर थोड़ा सा प्लस वन में आप लोगों को याद हो, सर जो प्राइस के कारण डिमांड में चेंजेस आती हैं, प्राइस के कारण, रेट के कारण जो चेंजेस डिमांड में आती हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। और जो फैक्टर्स अदर देन प्राइस के कारण जो चेंजेस आती हैं, फैक्टर्स अदर देन प्राइस के कारण जो चेंजेस आती हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। अब मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछिएगा, सर यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड हो रही है क्या रेट के कारण, ये सर कोई अदर फैक्टर्स के कारण विच आई डोंट। हो सकता है मार्केट में किसी ने डिमांड इंक्रीज कर दी हो, कोई टूरिज्म, फॉरेन टूरिज्म बढ़ गया, लोगों को क्रेज चढ़ गया कि दुबई घूम के आना है, तो ठीक है सर। अब अल्टीमेटली वहां पे क्या हुआ, दिरम जो करेंसी है या डॉलर्स जो है उसका रेट क्या हो गया सर, इंक्रीज हो गया नेचुरली। सर डिमांड बढ़ गई ना, तो एक चीज बता, अगर डिमांड इंक्रीज करेगी, अच्छा इंक्रीज करना मतलब शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, एक होती थी मूवमेंट, प्राइस के कारण जो होती है वो क्या होती है, मूवमेंट, अदर देन प्राइस जो होती है वो क्या होती है, शिफ्टिंग। तो सर शिफ्टिंग में डिमांड कर्व अपनी जगह क्या करेगी, चेंज। और तुमने क्या कहा, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड अगर इंक्रीज करेगी तो ये किधर शिफ्ट करेगी सर, अपवर्ड साइड, अपवर्ड साइड, D1, D1, क्लियर। अब ये बता, या ये बता तेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हो गया सर, एट पॉइंट E1। न्यू रेट आप लोगों का क्या आया सर, R1, एंड न्यू क्वांटिटी आपकी क्या हुई सर, M1। तो मुझे यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है, मुझे यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि अल्टीमेटली सर अगर अगर डिमांड मार्केट में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो आपके डॉलर का रेट क्या होगा सर, इंक्रीज होगा, क्लियर। तो आपकी फॉरेन करेंसी का रेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तेरे सामने पड़ा। सप्लाई तो उतनी है ना, सप्लाई पहले भी जितनी ही थी उतनी ही है। अब देख एट प्रेजेंट जो डिमांड पहले थी, अगर उससे ज्यादा डिमांड निकल कर आएगी तो एकदम से डॉलर के रेट क्या होने शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब सर जो $1, जो $1 पहले आप लोगों को कितने का मिलता था, मान लो 60 का, आज वही $1 आपको कितने का मिलेगा, 70 का, मान लीजिए एग्जाम्पल। तो इसको वर्ड क्या यूज करोगे बताओ, मैंने इसको वर्ड क्या यूज करोगे, एप्रिसिएशन ऑफ, एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, क्योंकि रुपी जो पहले आपको कितने देने पड़ते थे, 60, अब कितने देने पड़ रहे हैं, 70। तो इसको वर्ड क्या यूज करूंगा मैं, सर इंडियन रुपी मेरा क्या करा, डेप्रिशिएट करा, और डॉलर की वैल्यू क्या करी, इंक्रीज। तो वो भी तो तुम्हारा करा कराया है, इतनी डिमांड डॉलर की बढ़ा दी कि जो डॉलर तुम्हें पहले कितने का मिलता था, 60 रुपए का मिलता था, अब कितने का मिल रहा है, 70 रुपीज का मिल रहा है। तो सर ये इंक्रीज इन डिमांड के कारण है कि जितनी डिमांड आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, डॉलर के रेट उतने ही, अरे डॉलर उतनी ही ज्यादा क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। सर जो करेंसी में ट्रेड करते हैं उससे भी पड़ता है करेंसी, किसमें, वो भी तो डिमांड सप्लाई के कारण करते हैं, नहीं ट्रेड करते हैं ऐसे नॉर्मल इन्वेस्ट करते हैं जो डॉलर्स में। वही कह रहा हूँ, वो भी तो नॉर्मली क्या करते हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट है, वो भी तो ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग है ही क्या, डिमांड सप्लाई है। जब उनको अल्टीमेटली क्या मिलता है, डॉलर का रेट बढ़ेगा कम होगा, उतनी ही डिमांड डाल दी उतनी सप्लाई डाल दी, वो भी तो क्या, डिमांड सप्लाई की फ्लक्चुएशन ही तो कमाते हैं वो, और क्या कमाते हैं, कि जितना भी रेट के अंदर क्या आएगा, अप डाउन आएगा, वही इनका मार्जिन होता है। सप्लाई बढ़ा देते हैं फिर वही बात, जब प्राइसेस क्या चले जाते हैं, हाइक चले जाते हैं, सप्लाई। सप्लाई बढ़ा देते हैं, फिर बढ़ती सप्लाई को देखते हुए प्राइसेस वैसे डाउन चले जाते हैं। तो ये प्योर गेम ही जस्ट किसकी है, मार्केट फोर्सेस की है और कुछ नहीं है सर। ये लोग जो पैसा कमाते हैं अल्टीमेट किसके कमाते हैं, वो प्राइस इसी के कारण कमाते हैं, क्लियर। चलिए पढ़िए इसको अंदर से, डिमांड कर्व। फ्रॉम डी टू डी वन दिस कॉजेस अ राइज इन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फ्रॉम OR to OR1. बिल्कुल Now, $1 is available for rupees 70 instead of 60. बिल्कुल, जो This अच्छा खासा तुम्हें कितने का मिलता था, अच्छा ये लिख लेना ऊपर, ये वाला ये जरूरी है, या लिखा भी होगा नीचे,
कि अल्टीमेटली $1 इज इक्वल्स टू जो पहले आप लोगों का कितना था सर 60, अब वही $1 आपका कितना हो चुका सर 70 का हो चुका। क्लियर, पढ़िए। दिस मींस दैट इंडियन रुपी इज डेप्रिशिएटिंग एंड इट इज अ सिचुएशन ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। और ये सिचुएशन क्या है जहां पे आपकी करेंसी क्या कर रही है, डेप्रिशिएट कर रही है। इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरन करेंसी लीड्स टू राइज इन द एक्सचेंज रेट विच लीड्स टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरन करेंसी। क्लियर, और इसको उल्टा और क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ फॉरन करेंसी इन रिलेशन टू डोमेस्टिक करेंसी। कि सर डॉलर्स क्या कर रहे हैं सर, अपने आप में स्ट्रांग हो रहे हैं और अपनी कंट्री क्या हो रही है, वीक हो रही है। अब दूसरी सिचुएशन आप खुद बना सकते हो, मैंने वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन डिमांड। अच्छा, डिक्रीज इन डिमांड के केस में क्या होगा बताइए। पहली बात, डिमांड कर्व पहले अपवर्ड थी ना, अपवर्ड मतलब राइट साइड शिफ्ट करी थी, अब डाउनवर्ड और मतलब। अच्छा, दूसरी बात खुद सोच, सप्लाई अगर कॉन्स्टेंट है, मैंने सप्लाई के अंदर चेंज करा नहीं, सप्लाई वही की वही है ना, डिमांड जितनी पहले थी, तेरा इक्विलिब्रियम रेट चल रहा था, उससे भी डिमांड कम हो गई, सप्लाई वही है, सप्लाई तो वही की वही कांस्टेंट है ना, चेक करिए देखो, सप्लाई तो वही की वही है, डिमांड जितनी पहले मार्केट में थी उससे भी कम डिमांड हो गई। तो सर ये कम होती डिमांड मतलब एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट आपके प्राइसेस को क्या करेगी, डाउन करेगी। और यहां पे जो डॉलर आप लोगों को पहले कितने का मिलता था, 60 का, अब इजीली कितने में मिल जाएगा, 50 रुपीज में मिल जाएगा, क्योंकि डॉलर की वैसे ही इंडिया में डिमांड नहीं। इस चीज को क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। क्लियर, बनाइए डायग्राम यहां पे। Y O X क्वांटिटी रेट डिमांड सप्लाई, ये आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज एंड ए क्वांटिटी R, और ये क्या है M। क्लियर, अच्छा अब डाउनफॉल है, डाउनफॉल होने का मतलब क्या हुआ, ये रहा सर T1 D1, इक्विलिब्रियम कहां पे चला गया, E1 पे। तो अब जो आप लोगों का रेट ऑफ एक्सचेंज है, ये रहा सर R1 M1। क्लियर, कि पहले से आपके रेट्स क्या चले जाएंगे, डाउन चले जाएंगे, पहले से रेट्स आपके क्या चले जाएंगे, डाउन चले जाएंगे। हुआ क्लियर, अब सिचुएशन बिल्कुल आपकी रिवर्स है। क्लियर, सिचुएशन आपकी बिल्कुल रिवर्स है। अब आप पढ़िए इसको क्या कहेंगे सर, डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम कहां से कहां, D2 D1, डिमांड कर्व आपकी D से D1 पे चली गई। दिस कॉज अ फॉल इन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फ्रॉम OR to OR1। नाउ $1 इज अवेलेबल फॉर रुपीज कितना 50 इंस्टेड ऑफ 60, जो पहले 60 का मिलता था ना, अब डिमांड ही नहीं है। अब जिस चीज की डिमांड नहीं होगी तो नेचुरली उसका रेट क्या जाएगा, डाउन। देखो सर, अगर तो फॉरेक्स दिमाग में रखना है फिर तो आपको ये मुश्किल लगेगा, मैं तो सिंपल डिमांड सप्लाई पढ़ा रहा हूं। मेरे को एक चीज बताओ, आप ये मानकर चलो डॉलर भी तो क्या कमोडिटी है काइंड ऑफ, तो डॉलर की अगर मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो उसके रेट क्या जाएंगे, डाउन ही जाएंगे। अगर डॉलर की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो रेट आपके अप ही जाएंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट। पढ़िए आगे, yes this means that Indian rupee is appreciated. It is a situation of currency appreciation and decrease in demand leads to fall in the exchange rate implying appreciation of, word kya likha hua hai, domestic currency, rupee aapka kya kara, appreciate kara in relation to foreign currency. Aur tere samne padha, jis cheez ko purchase karne ke liye pehle tumhe Indian currency ke kitne dene padte the 60, ab kitne dene padenge sirf 50। तो सर ये तो आपकी रुपीज की क्या है, एप्रिसिएशन है, आपका रुपी उतना ज्यादा क्या होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट। अब इसके रिवर्स आगे चलिए, सिचुएशन 3, इंक्रीज इन क्या लिखा हुआ है, सप्लाई। अब किसको कांस्टेंट रखोगे, डिमांड को कांस्टेंट, सप्लाई को क्या रखेंगे चेंज। मेरे को ज्यादा नहीं तो सिंपल एक बता, अगर डिमांड कांस्टेंट, एक चीज तेरे सामने ये देख, ये 100 इज इक्वल्स टू 100, व्हाट इट मींस,
सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड. सुन कंपैरिजन कैसे करना है, सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड. एक चीज बता, यहां पे तेरा इक्विलिब्रियम ऑलरेडी क्या कर रहा होगा, स्ट्रक कर रहा होगा ना, हो रखा होगा. अब वर्डिंग पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन सप्लाई. अगर मान लीजिए सप्लाई मैंने कर दी 120 और डिमांड आज भी कितनी है, देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, एंड जितनी ज्यादा मार्केट में एक्सेस सप्लाई होगी, फालतू की सप्लाई होगी, उतना रेट आपका क्या जाएगा, हो गया पॉइंट. सिर्फ इतनी सी बात है. तो लॉजिक लगाओगे तो अल्टीमेट रिजल्ट आपको बिल्कुल सही मिलेगा. क्लियर? तो यहां पे जब आप कर्व ड्रॉ करेंगे, वाई ओ एक्स, ये क्या है सर, क्वांटिटी, और ये है रेट, ये बेसिक सप्लाई कर्व जो फर्स्ट वाली है, ये डिमांड. क्लियर? इक्विलिब्रियम आपका ऑलरेडी किस पॉइंट पे आ रहा है, ई पॉइंट पे, और ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ एम. पहले यहां तक क्लियर, बेसिक बनाया. अच्छा अब बताइए सप्लाई कर्व आपकी क्या करी है, इंक्रीज. सप्लाई आपकी इंक्रीज करी है तो किस तरफ शिफ्ट करेगी ये, राइट साइड नीचे को, न्यू सप्लाई कर्व. इसको क्या नाम देंगे, एस वन, एस वन. अब देख रेट अब आपका कितना हो गया सर, ये रहा, ये ले आर वन एम वन. क्लियर? कि वही रेट आप लोगों के क्या हो गए सर, कम हो गए. इवन यहां पे भी जितनी सप्लाई आप लोगों की ज्यादा होगी, अरे डॉलर मार्केट में रुलता फिरता सर, आप कह रहे हैं डॉलर ही डॉलर पड़े हैं सर इंडियन मार्केट में, हमारे पास फॉरेक्स की कस्टडी बहुत है, उसका कारण क्या है, हमारे यहाँ पे सप्लाई बहुत है, समझ गए ना. और सोर्सेस तुम पढ़कर बैठे हो कि सप्लाई ज्यादा कैसे होती है, एक्सपोर्ट ज्यादा करने शुरू कर दिए, इंडिया में फॉरेन टूरिज्म बहुत होने लग गया, या इंडिया में एफडीआई बहुत होने लग गई, मल्टीनेशनल कंपनीज ने यहाँ पे ऑफिसेज ओपन कर दिए, लोगों ने फॉरनर्स ने यहाँ के शेयर्स परचेज करने शुरू कर दिए, सोर्सेस तो बहुत है सर. क्लियर? नेक्स्ट इज पढ़िए, इंक्रीज इन सप्लाई is reflected by a shift in supply curve to the right. Supply curve shifts from S to S1. बिल्कुल. This causes a fall in the equilibrium rate of exchange from OR to OR1. Now, $1 is available for rupees. कितना? 50 instead of कितना? 60. Again, फिर. Appreciation of क्या हुई? Domestic currency. And depreciation क्या हुई? Of foreign currency. क्लियर? पढ़िए जी. यस दिस सिचुएशन, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन. यस डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स क्या लिखा हुआ है, मोर वैल्यूएबल इन रिलेशन टू क्या लिखा हुआ है, फॉरेन करेंसी. क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे सिचुएशन खुद ड्रॉ करिए. सिचुएशन फोर, डिक्रीज इन द सप्लाई. अब रिवर्स कर दीजिए. अच्छा सप्लाई कम होना, शॉर्ट सप्लाई होना, मतलब एक्सेस डिमांड होना, और डिमांड ज्यादा हुई तो प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सिचुएशन वन एंड सिचुएशन फोर सेम है, सिचुएशन टू एंड सिचुएशन थ्री क्या है, सेम. क्लियर? तो यहां पे क्योंकि नेक्स्ट आगे आपके पास यही पॉइंट आएगा, वाई ओ एक्स, ये क्या सर क्वांटिटी, एंड इस तरफ आपका अगेन रेट, सप्लाई, डिमांड. इक्विलिब्रियम रेट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. अच्छा आपने क्या कहा, आपका डिक्रीज इन सप्लाई हुई, डिक्रीज इन सप्लाई होना मतलब लेफ्ट साइड. क्लियर? लेफ्ट साइड. ये आपका क्या आया, एस वन, एस वन, जिसके कारण आपका रेट, ये लो सर ये रेट आपका क्या हो गया, चेंज. क्लियर? और प्राइसेस आपके क्या कर गए, पहले से इंक्रीज. ये एरोस जरूर दे दिया करो, जैसे यहां पे क्या हुए थे, आर से आर वन पे आना डिक्रीज होना, क्लियर, और यहां पे क्या हुआ, आर से आर वन ऊपर जाना मतलब इंक्रीज होना. पढ़िए जी, डिक्रीज इन सप्लाई इज रिफ्लेक्टेड बाय अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू द राइट. Supply curve shifts from S to S1. This causes a rise in equilibrium exchange rate from OR to OR1. बिल्कुल.
70 इंस्टेड ऑफ रुपीज, फिर महंगा हो गया। अब इसको वर्ड आप क्या यूज करोगे? इट इज अ सिचुएशन ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपकी रुपी की वैल्यू क्या हो गई? डाउन। जिस डॉलर को परचेज करने के लिए तुम कितने पैसे दिया करते थे? 60 रुपए। आज उसी डॉलर को परचेज करने के लिए कितने देने पड़ रहे हैं सर? 70 रुपए। फिर अगेन वही सिचुएशन आ गई। तो मेरा पहले तो पॉइंट आप ये क्लियर करें, आगे के पॉइंट तो सर बाद में हैं, पहले ये पॉइंट क्लियर करें कि सर हम लोग डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस आने के कारण, इनमें चेंजेस आने के कारण हम लोग रेट पे चेंजेस क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर? और एक सिंपल सी बात, प्लस वन लेवल की बात, डिमांड एंड सप्लाई में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं सर। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी के कारण जो चेंज आए, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन, जिसके कारण कर्व्स के ऊपर क्या होती है? मूवमेंट होती है, बट कर्व आपकी कभी भी शिफ्ट नहीं करती। यहां तो आपने पूरी की पूरी कर्व शिफ्ट कर दी, मे बी राइट साइड, मे बी लेफ्ट साइड, मतलब पुरानी कर्व के बदले में एक नई कर्व बनाई गई। तो सर ये मूवमेंट का केस नहीं है, ये शिफ्टिंग का केस है। एंड शिफ्टिंग जो होती है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व जो होती है, वो ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, अदर देन रेट के कारण होती हैं, नॉट रेट के कारण। तभी तो ऐसे फैक्टर्स के कारण जिनके कारण आपकी डिमांड या सप्लाई क्या करी? इंक्रीज करी या डिक्रीज करी? मैं उसका इफेक्ट किस पे फाइंड आउट कर रहा हूँ? रेट पे। कि सर उसके कारण बताओ कि अगर डिमांड बढ़ गई, अगर सप्लाई बढ़ गई, अगर डिमांड कम हो गई, तो रेट पे उसका क्या फर्क पड़ेगा? ना कि मोस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे ना उल्टा सोचते हैं किस बात को लेकर, कि शायद सर रेट के बढ़ने से ऐसा कुछ हो। अरे रेट पे फाइंड आउट करना है इस डिमांड एंड सप्लाई का इफेक्ट, कि अगर कांस्टेंट डिमांड एंड सप्लाई थी, लेट इट बी डिमांड बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो उस केस में आप लोगों का रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? नाउ दिस इज द मेन थिंग, रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? ये इन चार सिचुएशंस की तरह आपने क्या करा? क्लियर करा। हुआ पॉइंट क्लियर? तो इसमें इसमें आप लोग ये वर्ड कह सकते हो सिचुएशन 1 एंड 4, ये दोनों क्या थी? सेम। मतलब उधर से क्या, इंक्रीज इन डिमांड होना एंड डिक्रीज इन सप्लाई, दोनों के रिजल्ट आपको क्या मिलेंगे? सेम। क्या रिजल्ट सेम मिले? कि आपका रेट जो है, करेंसी का जो रेट है, वो क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। जिस डॉलर को परचेज करने के लिए आप लोग पहले कितने दिया करते थे? 60 रुपीज। आज उसी डॉलर को परचेज करने के लिए कितने देने पड़ेंगे? 70 रुपीज। तो सिचुएशन 1 एंड 4 दोबारा, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। उधर से सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा? एक्सेस सप्लाई। और अगर एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट होगी, तो आपके रेट्स क्या जाएंगे? डाउन जाएंगे, जो आपके लिए, इंडिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इंडियन रुपी की वैल्यू उतनी ही क्या होगी? स्ट्रांग होगी। क्योंकि इंडियन मार्केट में, कॉमन सेंस, इंडियन मार्केट में जितनी डॉलर्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, जितनी डॉलर्स की सप्लाई क्या होगी? ज्यादा होगी, उतनी डॉलर की वैल्यू यहां पे क्या होगी? कम होगी, और इंडियन रुपी उतना क्या होगा? स्ट्रांग होगा। दैट इज कॉल्ड एज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। यहां तक क्लियर? चलिए सर, एक छोटा सा डिफरेंस है आपके दो दो वर्ड्स जो आपने अभी तक करे, फिर भी मैंने नटशेल आपको एक क्लियर कर दिया कि एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन के बीच में क्या फर्क है। पढ़िए जी। यस, इट इज अ सिचुएशन ऑफ, Foreign in exchange rate, बिल्कुल depreciation. It is a situation of a rise in exchange बिल्कुल सर। यस, rate. Depreciation, less rupees are needed to buy अच्छा $1. ये एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, ये किसकी बात कर रहा है? रुपी की बात कर रहा है, ध्यान से। मतलब किसकी बात कर रहा है? डोमेस्टिक करेंसी। किसकी बात कर रहा है? डोमेस्टिक करेंसी। सर एक बात बताओ, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट कब होगी? एप्रिशिएट कब होगी? जब कम कम रुपीस आपको देने पड़ेंगे टू परचेज 1 डॉलर, तभी कहूंगा ना इंडियन रुपी क्या करा? एप्रिशिएट करा। पहले जो डॉलर का रेट कितना था? 60 रुपए। आज कितना है? 50 रुपए। सर इंडियन रुपी की वैल्यू क्या हुई है?
अप्रिशिएट, तभी उसने वर्ड किया। मैं इसलिए वर्ड क्लियर कर दिया कि ये डोमेस्टिक करेंसी के पॉइंट से बनाया गया है कि लेस रुपीज आर नीडेड टू बाय 1 US डॉलर। अब बता अप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी कब हुई थी? इंडियन रुपी कब हुई थी? सिचुएशन टू सिचुएशन थ्री, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, लेस डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। क्लियर? इन दो केसेस में आपका वर्ड क्या आया था कि 1 डॉलर इज इक्वल टू, जो पहले कितना था 60, आज कितना है 50। मतलब सर इंडियन रुपी की वैल्यू, इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो क्या हुई सर? स्ट्रॉन्ग हुई। क्लियर? वो क्या हुई? स्ट्रॉन्ग हुई। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना, दोबारा वर्ड बोल रहा हूं, वो जानबूझ के कंफ्यूज करेगा। मैंने यहां पे क्या बोला? एप्रिसिएशन ऑफ क्या बोला? डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वो तुझे जानबूझ के क्या पूछेगा? फॉरेन करेंसी के पॉइंट से पूछेगा। अरे सिंपल, अगर एक एप्रिशिएट करेगी तो दूसरी, अगर तू कह रहा जी 1 डॉलर इज इक्वल टू 60 है एंड अब रेट क्या हो गया 1 डॉलर इज इक्वल टू 50, अगर रुपी तेरा क्या गया एप्रिशिएट, तो डॉलर क्या जाएगा? डेप्रिशिएट। कॉमन सेंस। तो इसको वर्ड क्या बोलोगे सर? डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और जानबूझ के ना ये दो वर्ड्स आगे पीछे चेंज करेगा। तुम लोग ध्यान से पढ़ो किसकी एप्रिसिएशन हुई और किसकी डेप्रिसिएशन हुई। अच्छा, इंडियन रुपीज के लिए तुम डेप्रिसिएशन कब बोलोगे कि सर रुपी की वैल्यू डाउन चली गई? जब तुम्हें वही 1 डॉलर को परचेज करने के लिए ज्यादा रुपीज पे आउट करने पड़े। जो डॉलर आपका पहले 60 रुपीज का मिल जाता था, आज 70 में नहीं मिलता, 80 रुपए में नहीं मिलता। दैट इज कॉल्ड एज कि इंडियन रुपी की वैल्यू पहले से क्या कर गई? डेप्रिशिएट कर गई। और फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या कर गई? एप्रिशिएट कर गई। तो थोड़ा सा जस्ट ब्रेक दो, 1 मिनट आराम से सोच, देन आप अपना मल्टीपल चॉइस या जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे देन अटेम्प्ट करना। सिर्फ और सिर्फ शब्दों का हेर फेर होगा। क्लियर? आप लोग पता है किस पे स्टिक हो जाओगे? एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। आगे पढ़ा ही नहीं किसकी, डोमेस्टिक की या फॉरेन की, वो इसी में चेंज कर जाएगा। क्लियर? अब जैसे मैं कह रहा हूं वर्ड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी आर द सेम थिंग, इज इट राइट? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी आर द सेम थिंग। ऐसे ही है, क्योंकि अगर एक कंट्री क्या करेगी अप्रिशिएट, तो दूसरी क्या करेगी? डेप्रिशिएट। तो थोड़ा सा जस्ट लोड लोगे ना, जस्ट आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा? सही मिलेगा। क्लियर? इनका बेस प्राइस क्या है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है बेस डॉलर्स प्राइस का? ऐसा कुछ नहीं है। बेस प्राइस तो जो है वो इकोनॉमी लेवल्स पे डिसाइडेड होते हैं। क्लियर? बाकी सर मोस्टली जितने रेट्स हैं वो सारे किसके थ्रू हैं? डिमांड सप्लाई बेस्ड है, मार्केट फोर्सेस बेस्ड है। मार्केट फोर्सेस वो रेट क्या करेंगी? ऑटोमेटिकली तय करेंगी। क्लियर? जैसे शेयर मार्केट नहीं है क्या? शेयर मार्केट में नॉर्मली क्या है? बाय एंड सेल, वही तो चलता है, डिमांड एंड सप्लाई ही तो है। जब किसी टाइम पे किसी तरह की न्यूज मार्केट में आ गई, एकदम से रेट बढ़ जाते हैं। बढ़ने का कारण क्या? लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई तो उतनी है, शेयर्स तो उतने ही है मार्केट में, बस ये चीज है। क्लियर? यस। एक ये हॉट्स है, ये मैं आपको लास्ट में जब आपके पास स्पेस जो पड़ी है, बहुत अच्छी चीज है कि सर इस एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स पे फर्क बताइए कि डोमेस्टिक करेंसी में एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे या कम होंगे। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारे सामने ये चीज पड़ी है ना, तुमने कहा 1 डॉलर इज इक्वल टू 60 और आज का रेट 1 डॉलर इज इक्वल टू कितना हुआ? 50 हुआ। मुझे एक्सपोर्ट करना चाहिए या इम्पोर्ट करना चाहिए? इम्पोर्ट करना चाहिए, हमारी इम्पोर्ट। क्यों? वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा क्योंकि सर कम पैसों में ज्यादा चीजें अपनी, मिलती हैं। हाँ अपनी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग। और वैसे भी जिस चीज के लिए मुझे पहले कितने देने पड़ते? 60, आज कितने देने पड़ेंगे? 50। फायदा सर, इम्पोर्ट बढ़ाओ बढ़ाओ। फिर वैल्यू भी बढ़ क्लियर? गई। क्लियर? इम्पोर्ट आप क्या कर दीजिए? इंक्रीज कर दीजिए। और एक्सपोर्ट थोड़ी करूंगा, अगर एक्सपोर्ट करूंगा तो जिस चीज के पैसे मुझे कितने से मिलने थे? 60 से, आज कितने से मिलेंगे? एक्सपोर्ट नहीं करेंगे सर, छोड़ दो। तो मतलब सर ध्यान से सुनो, क्या वर्ड बोल रहा हूं? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में हम लोग ठीक है।
इंपोर्ट्स बढ़ाएंगे एक्सपोर्ट्स कम करेंगे क्योंकि अपना उसमें ही फायदा है। बट डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में, डोमेस्टिक ही बोल रहा हूं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओगे इंपोर्ट्स कम करोगे, क्योंकि सर जो डॉलर आपका पहले कितना था अब कितना हो गया, आप कहूंगा उल्टा बेचो एक्सपोर्ट करो, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट करोगे तुम्हारी वैल्यू कितने से मल्टीप्लाई होके आएगी, 70 से, जो पहले कितने से आनी थी, फायदा सर फायदा, क्लियर। और इंपोर्ट इंपोर्ट थोड़ी करूंगा, मुझे पहले लायबिलिटी देनी थी 60 के अकॉर्डिंग, अब देनी पड़ेगी 70 के अकॉर्डिंग, नहीं नहीं सर इंपोर्ट नहीं करना, इंपोर्ट रुक जाओ कम कर दो, समझ गए ना। तो मतलब इसी जगह मैं एक बार वर्ड लिख सकता हूं क्या, इस सिचुएशन में आपने क्या कहा था, एक्सपोर्ट्स क्या कर दो कम एंड इंपोर्ट्स क्या कर दो बढ़ा दो, इसमें आपने क्या कहा, इंपोर्ट्स क्या कर दो कम एंड एक्सपोर्ट्स क्या कर दो ज्यादा। ये ले नीचे वाला जो क्वेश्चन आप लोगों का है वो यही रिप्लाई हम लोगों ने प्रॉपर थोड़ा बना के लिखना है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका डन है, हुआ पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे सर, डिफरेंस बिटवीन, यस आज बस लास्ट ये डिफरेंसेस ही करेंगे क्लियर, क्योंकि इसके बाद कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा डिफरेंट है, छोटा सा लेक्चर उसके ऊपर एक और रिकॉर्ड कर लेंगे, सो दैट कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर मैंने को करवाने भी हैं तो उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोगों को साइड बाय साइड डन करवा दूंगा। श्योरली इतनी बात कह रहा हूं कि सर एक बार कंसेप्चुअली अच्छे से कर लेंगे, मैं तो कल भी जो टॉपिक स्टार्ट होगा पहले पुरानी रिविजन होगी, पहले 10 मिनट किस पे लगाएंगे, पुराने कॉन्सेप्ट्स पे लगाएंगे, ताकि सर ऑरली कॉन्फिडेंस आप लोगों के पास आना चाहिए कि सर फॉरेक्स वो हमें आता है, जस्ट एक बार रीडिंग लेनी है, जस्ट एक बार पढ़ना है, मैक्रो में तो जरा सा भी रिस्क नहीं लेंगे सर, 1% भी नहीं, 40 में से 40 का टारगेट लेके चलो कि अल्टीमेट सर बड़े आराम से मिलते हैं आते हैं, प्रोवाइडेड कवरेज करोगे तभी है। अब लेटेड भी आपने कह दिया कि हमने पढ़ना ही नहीं है, स्कूल के एग्जाम्स ही देते रहना है, वो तो सारा साल चलते भी रहे हैं चलते भी रहेंगे, और बस उस बहाने फाइनल ना छोड़ देना कहीं, वो तो चलते रहेंगे, वो फॉर्मेलिटीज हैं वो होती रहेंगी, उसका पर्पस भी कोई नहीं है, उल्टा नेगेटिविटी है, उसमें कोई आपकी आउटपुट नहीं है, बट जहां पे आउटपुट निकलनी है वहां आप लोग मिस कर रहे हैं, यू आर नॉट अ रैशनल कंज्यूमर्स, आप रैशनल कंज्यूमर नहीं, पैसा लगाकर भी उसका प्रॉपर बेनिफिट ना ले सके फिर उसका फायदा क्या। तो अल्टीमेटली सर आप स्कूल के चक्कर में अभी भी फ्री जा रहे हैं, किस बात को लेकर, मेरा प्रैक्टिकल है मेरा फलाना पेपर है, 36 बार पेपर आपने पहले दे दिए होंगे, मन करे इतनी बार और दे दोगे जब तक फाइनल्स नहीं होते, आपको रिजल्ट आपके अभी पता है, जब यहां पे आप लोग 2 लाइंस प्रॉपर नहीं लिख पा रहे हैं तुम पूरा पूरा पेपर क्या लिखते होगे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जस्ट एक तो बहाना ही बन चुका ना घर वालों की नजर में, मेरा पेपर है जी मैं इसलिए नहीं गया, मैंने इसलिए क्लास नहीं लगाई, किसी का राजे कुछ नहीं जा रहा, किसी का कुछ नहीं जा रहा, नुकसान जो हो रहा है वो अल्टीमेट आपका ही हो रहा है। अब बेशक चाहे कल आपका इंग्लिश का एग्जाम है, कल चाहे BST का एग्जाम है, चाहे इकोनॉमिक्स का है, मैं आपसे फाइनल की टॉकिंग टर्म्स में हूं कि फाइनल में जितने नंबर को होगे उतने आपको मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड आप भी तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए, आप भी तो प्रॉपर पढ़िए, यहाँ पे आप लोगों के टेस्ट होते हैं प्रॉपर वे से, टेस्ट आप लोग प्रोवाइड तो करते नहीं है, ऐसे स्कूल में आप करते होंगे, कुछ चिंता किस बात की कर रहे हो स्कूल की, मेरे को ही नहीं समझ आ रही फिर भी, जब पता तो है कि फेल आज भी है फेल कल भी है, पर इन सब प्री प्रूव के चक्कर में ना आप लोग अपने फाइनल्स खराब कर लोगे, और वो हो भी रहे हैं, सिर्फ ये प्री के कभी आधा बोर्ड कभी पूरा बोर्ड कभी कौन सा कभी क्या, कुछ ना कुछ टर्म एग्जाम्स चलते जा रहे हैं राजी, वो चलेंगे वो चलेंगे, मैंने फर्स्ट डे लेक्चर में भी कहा था +2 में यही काम चलना है पूरा साल और कुछ नहीं चलना, स्कूल में सब होगा पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ होगा, सारी करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, सब एनुअल फंक्शन होंगे, सब तरह के एग्जाम्स होंगे, सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, और आप फिर भी नहीं बिलीव कर रहे, फिर भी आप उस चीज को टेकअप नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है टॉपिक से, बिल्कुल सिंपल सिंपल से टॉपिक्स हैं, बट अगर यहां पे भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ रहे, अब अल्टीमेट टेस्ट ले रहे हैं, जितने भी टेस्ट हुए हैं आप ही गवाह हो, आप में से ही किसी के नंबर कितने आ रहे हैं, किसी के नंबर बिल्कुल कम भी आ रहे हैं, मैंने किसी को अलग से तो नहीं पढ़ाया, क्लासरूम तो सेम ही चल रही है, क्लास टीचिंग तो सेम ही चल रही है, स्टिल फर्क क्या है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत करी, उसने उस टॉपिक को रिवाइज करा, उसको सीरियसली पढ़ा है, देन आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, यहाँ तो चैप्टर वाइज में आपका ये अल्टीमेट हाल है, तो पूरे पूरे पेपर में क्या हाल होता होगा,
थोड़ा सर ग्रो अप सर, माइंड थोड़ा ग्रो अप करो, ये बच्चों वाली बात छोड़ो। अभी तो गेम ही सिर्फ 2-3 महीने की रहेगी, सून आप लोगों की बैलेंस शीट क्या हो सर, डेट शीट क्या हो जाएगी, अनाउंस हो जाएगी, क्लियर। वो पर्टिकुलरली आफ्टर दैट अभी भी स्कूल के चक्कर काट रहे हो तुम लोग, क्या हद होगी यार, बच्चे हो तुम भी, पता नहीं रोज अपना बस्ता उठा के वहां पे चले जाते हो जहां पे कुछ करना नहीं है। एटलीस्ट ये वाला पार्ट तो कम से कम सही रखो, ऑल्टरनेट क्लासेस हैं, कोई ज्यादा अपनी कोई डेली बेसिस वाला सिस्टम नहीं है। आते ही पहला वर्ड क्या बोलते हैं सर, छुट्टी कर दो। फिर भाई आए क्यों, आए क्यों, और रोका तो किसी ने नहीं है, जिसने जाना जाओ, पर दूसरों का काम ना खराब करो। अब यहाँ पे आपकी नजर किस पे होती है, घड़ी पे होती है कि कितने बजे 6:30 कब होंगे, कब फ्री करेंगे। एक बात बताओ, उसमें मेरा नुकसान है या आपका नुकसान है, ये बता दो बस, एज अ रैशनल कंज्यूमर। मेरा कुछ गया, मेरे को तो उल्टा बेनिफिट है कि हाँ चलो 10 मिनट पहले चले गए। सर थोड़ा सा ग्रो अप, माइंड को थोड़ा यूज करो कि 2-3 महीने प्रॉपर रह गए, इसी को जितना इफेक्टिवली यूज कर लोगे आप, लोगों की यही पोजीशन जो अभी नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव में ले आओ। पर कंट्रीब्यूशन आप लोगों का चाहिए ना। अब आप में से कई स्टूडेंट्स अल्टीमेट ऐसे हैं जो मेरे को एक एक महीना हो गया, दो दो महीने हो गए, मिले तक ही नहीं है। ठीक है सर, ऐप से लगा रहे हैं जी लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं क्या नहीं कुछ भी नहीं पता। दीज आर द ड्रॉबैक्स, ये सर अपने अपने ड्रॉबैक्स। अब ऐसे स्टूडेंट की सर हमारे लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे को पता ही नहीं कि अल्टीमेट वो क्या क्या रहा है। जो मेरा यहाँ पे एग्जाम, 2 चैप्टर का एग्जाम नहीं प्रॉपर दे पा रहा, बहाने लगा रहे हैं किस चीज के, स्कूल के, स्कूल में ये एग्जाम है, स्कूल में ये चीज आ रहा है, स्कूल में चलता रहेगा भाई, चलता रहेगा। और 20 बार स्कूल में पहले फेल हो गए, अब भी हो रहे हो, कम से कम जिसको इंप्रूव कर सकते हो वो चीज तो इंप्रूव करो ना। तो बी सीरियस अबाउट द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, वही आपके प्रॉपर वे से आपके रिजल्ट्स लेकर आएंगे। फाइनल्स में बात करना जितने चाहिए। अब स्कूल लेवल का हम भी क्या कर सकते हैं, टीचर हैं सर, पूरी पूरी बुक डाल रहे हैं, तो एक दिन में कहां से पढ़ लेंगे भाई। अब एश्योरिटी दे सकता हूं कि हाँ मेरा सिलेबस क्या हो चुका है सर, कंप्लीट हो चुका। अब वन बाय वन पूरे पूरे टॉपिक उठाएंगे, रिविजन करी, पूरा पूरा लेक्चर आपसे सुना जाएगा। डेली यहाँ पे क्या चल रही है, लिसनिंग चल रही है, और जो फालतू की नॉनसेंस क्रिएट करेगा बाहर, अपने को मतलब नहीं है, रिजल्ट चाहिए सर। पढ़ना तो पड़ेगा, तभी कुछ लिख कर आओगे, तभी कुछ वहां पे याद आएगा। अब गवर्नमेंट बजट आप में से जितनों ने भी सीरियसली लगाया होगा, लिटरली इतना कह सकता हूँ कि ऑरली भी सुनू तो आप ऑरली भी सुना सकते हो कि उसमें सर पर्टिकुलर, क्योंकि डेली उस चीज को जब आप बार 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 सुन रहे हो ना, आज भी फॉरेक्स स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट 15 मिनट भी किस पे लगाए, पिछले पे लगाए। सेम कल भी, कल भी सर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहले प्रीवियस रिवाइज करेंगे कि पहले क्या पढ़ा, वो दैट इज द मेन पार्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज, अब थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं सर, एक वर्ड है डिवेल्यूएशन एंड एक वर्ड है डेप्रिसिएशन। तुमने पहले क्लियर करा, डेप्रिसिएशन जो होती है वो किसके कारण होती है, डिमांड सप्लाई के कारण, क्लियर, मार्केट फोर्सेस के कारण। और जो डिवेल्यूएशन होती है वो किसके कारण होती है सर, गवर्नमेंट के चेंजेस के कारण। क्लियर, जब गवर्नमेंट रेट क्या करे, डाउन करे, धक्के से ही करेगी, फिक्स सिस्टम के अंदर करेगी, दैट इज कॉल्ड एज डिवेल्यूएशन करना। क्लियर, और जब मार्केट फोर्सेस के कारण चेंजेस हो, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। पढ़िए जी, डिवेल्यूएशन रेफर्स टू बिल्कुल सर, यस, एंड डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर कौन से में, फ्लेक्सिबल में। सर मेथड का नाम तो आपको क्लियर है, डीवैल्यूएशन किस में होती है, फिक्स सिस्टम में, डेप्रिसिएशन किस में होती है, फ्लेक्सिबल में। डीवैल्यूएशन इज डन बाय, मेन चीज किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली मीन्स जानबूझकर, इंटेंशनली चेंज की जा रही है, वॉलंटरली चेंज की जा रही है, टू करेक्ट द क्या, बीओपी सिचुएशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब आपका नेगेटिव चला जाता है या पॉजिटिव ज्यादा चला जाता है, तो उन सिचुएशंस को करेक्ट करने के लिए फोर्सफुली डेलिब्रेटली गवर्नमेंट आपकी करेंसी का वैल्यू क्या कर देती है, डी वैल्यू कर देती है। क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज, क्या ये मार्केट फोर्सेस के कारण हुआ, नहीं, गवर्नमेंट ने करा ना, दैट इज कॉल्ड एज डी वैल्यूएशन। अगर यही चीज दूसरी तरफ पढ़िए, डेप्रिसिएशन टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, चेंज इन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। मतलब सर मार्केट फोर्सेस के कारण जो रेट में चेंजेस आए, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज डीवैल्यूएशन, इट इज कॉल्ड एज
डिवेल्यूशन, उल्टा वर्ड। अब चल, रिवेल्यूएशन एंड वर्ड क्या है? अच्छा है तो देख, दोनों अप है, इसमें भी वैल्यू अप जाएगी, इसमें भी वैल्यू, बट दोनों के कारण क्या है? अलग अलग है। रिवैल्यूएशन कौन करती है? गवर्नमेंट। और एप्रिसिएशन कौन करती है? मार्केट। दैट इज द कॉन्सेप्ट। और रिवैल्यूएशन कहां पे होएगी? फिक्स्ड में होएगी। और एप्रिसिएशन कहां पे होएगी? पॉइंट। इतना सा पॉइंट है। अब लॉजिकली सुन तो सही 2 मिनट उसको। अगर वैसे ही नॉर्मली इधर उधर के सवाल पूछने या मन में पढ़ने का नहीं है, अल्टीमेट वो सर एक दो स्टूडेंट ठीक है अपना करके चले जाते हैं, अलग बात है, बट ओवरऑल ओवरऑल उन क्वेश्चंस का यार मतलब ही नहीं होता। जिस लेवल के क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो वो हाइपोथेटिकल है सर, उनका कोई, दैट डजंट मेक एनी सेंस, उनके कोई सेंस ही नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है सर, रिवैल्यूएशन कब होगी? जब फिक्स सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट आपकी करेंसी की वैल्यू को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। दैट इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन। सिंपल सा पॉइंट। अब इसमें कौन सा कोई तुम्हारी ये रॉकेट साइंस है कि कोई लॉजिक्स लगाए गए हैं? कुछ भी नहीं, सिंपल है सर। और वही मार्केट फोर्सेस के कारण अगर कोई चेंज आए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एप्रिसिएशन होना। दैट्स इट। इतना सा पॉइंट है सर। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? एनी डाउट? क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसमें ये वाला पार्ट प्लस प्रीवियस जितना अब तक हो चुका वो आप लोगों से लिटिल बिट सुना भी जाएगा, प्लस रिवाइज भी करवाया जाएगा, एंड फॉरेक्स मार्केट के 2-3 पेजेस विद सम क्वेश्चंस अगर मैं सेलेक्ट करके रखूंगा, कुछ क्वेश्चंस अगर लिखवाने हुए तो आपके पास आई थिंक सो ब्लैंक पेज है। बिल्कुल 2 पेजेस भी नहीं है, 2 पेजेस भी नहीं है। क्लियर? आई थिंक सो एक ही पेज हुआ फिर तो ये। क्लियर? एक ही पेज है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम इसकी रिविजन, मतलब हो सकता है मैं गवर्नमेंट बजट भी बीच में रिवाइज करवाऊं दोबारा फिर आप लोगों के लिए। क्लियर? क्योंकि फ्रेश लेक्चर से हम लोग अपना नया टॉपिक ही क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? देन आफ्टर दैट सिर्फ और सिर्फ इंडो चाइना पाकिस्तान आप लोगों का पेंडिंग होगा। अब तो सर शुक्र मनाइए कि आपके इंडियन इकोनॉमी में भी काफी सारा सिलेबस कट हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट था वो आपका कट हो गया, पॉवर्टी था वो आपका कट हो गया, मेन मेन टॉपिक्स तो उन्होंने पहले ही कट कर दिए। हमारे पास तो बचे ही क्या, गिनती के 4-5 तो टॉपिक्स, और वो स्टार्टिंग वाले जितने भी थे वो तेरे एग्रीकल्चर रिलेटेड ही, जितने भी तेरे पहले जो 1991 से पहले वाले हैं। क्लियर? वो सारे अल्टीमेट एक ही लॉजिक बेस्ड है। तो अगर लिटरली थोड़ा ध्यान से रीड आउट करोगे तो चैप्टर्स आपके सर इकोनॉमिक्स में कोई ज्यादा नहीं है, प्रोवाइडेड थोड़ा सा फोकस करने का। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके जी।